हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है। ब्रेन साइंटिस्ट ने हमारे ब्रेन के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी चीज़ को हम कैसे सीखते हैं, नींद और स्ट्रेस का हमारे माइंड पर क्या असर होता है, मल्टीटास्किंग एक मिथ क्यों है, हम किसी भी चीज़ को इतना जल्दी क्यों भूल जाते हैं, भूलना आसान क्यों है और याद रखना मुश्किल क्यों है, क्या मेल और फीमेल के ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि साइंटिस्ट ने हमारे लिए डिस्कवर की है, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, ताकि हम जितना कर सकते हैं उतना कंट्रोल हम हमारे ब्रेन पर कर पाएं। देखो, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम की जड़ें हमारे दिमाग का सोचने का तरीका, और अगर आपको इन प्रॉब्लम को खत्म करना है तो आपको अपना सोचने का तरीका बदलना होगा, और ये तभी संभव है जब हम हमारे ब्रेन के जरूरी रूल्स को समझेंगे। और इसीलिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर जॉन मेडिना की एक कमाल की बुक ब्रेन रूल्स के बारे में। जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इंसानी दिमाग पर काफी रिसर्च करने के बाद ये बुक लिखी, और इसी बुक में ऑथर ने ब्रेन के 12 रूल के बारे में बताया है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने स्टडी करने, सीखने और काम करने की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, और हम हमारे डेली लाइफ में उन तमाम चीजों को आसान बना सकते हैं जो हमारे लिए मुश्किल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन ब्रेन रूल्स के बारे में। तो पहला रूल यहाँ पर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है। कुछ साइंटिस्ट ने लोगों के दो ग्रुप्स पर एक रिसर्च की, जिनके लाइफस्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ग्रुप ए में वो लोग थे जो कि फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे और डेली एक्सरसाइज करते थे, और वहीं ग्रुप बी में वो लोग थे जो कि ना तो एक्सरसाइज करते थे और ना ही फिजिकली एक्टिव रहते थे। और रिसर्च करने के बाद रिसर्चर ने ये पाया कि ग्रुप ए की ब्रेन पावर ग्रुप बी के मुकाबले में ज्यादा थी। और डॉक्टर जॉन मेडिना ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक बॉडी के साथ में बनाया गया था जो कि हजारों साल पहले 20 किलोमीटर रोज चलती थी, इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलते रहते हैं, और हमारे ब्रेन में जितने भी टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट रूल है सर्वाइवल। ये रूल कहता है कि इंसानों को लाखों साल लग गए ये पावरफुल ब्रेन बनाने के लिए। हमारे ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, अदरवाइज हो सकता था कि आज आप ये वीडियो नहीं देख पाते। कोई भी इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो सर्वाइव कर ही लेता है। इंसानों का ब्रेन एक सर्वाइवल टूल है जो कि समय के साथ में इवोल्व हुआ है, यानी कि विकसित हुआ है। और ब्रेन की इवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने, कम्युनिकेट करने और दूसरे काम करने के लिए सक्षम बनाया है। यदि हम लोगों को नहीं समझते तो एक समाज नहीं बनता, और कभी भी हम जानवरों से ऊपर नहीं उठ पाते। ऑथर कहते हैं कि इंसान इसलिए जिंदा बच सका क्योंकि उसने दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया। अगर कोई इंसान अपने टीचर या बॉस के साथ में सेफ फील नहीं करता है तो अपने स्टडी या फिर अपने काम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। तुम्हारी वर्क प्लेस या क्लासरूम में एक दूसरे को इंकरेज करना और हेल्प करने का कल्चर होना चाहिए। एक दूसरे को समझना ही जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है, और हमारे सर्वाइव करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने समय के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है। और इसलिए ऑथर ने कहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। रूल नंबर 3 कहता है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। देखो, इस दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, और हर इंसान का ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है, यानी कि आपको इस पूरी दुनिया में 2 ऐसे इंसान भी नहीं मिलेंगे जिनका ब्रेन पूरी तरह से सेम तरीके से काम करता हो। स्कूल में या फिर कई बार हमें बताया जाता है कि हम सबका ब्रेन एक जैसा होता है, बस मेहनत का फर्क होता है, कोई ज्यादा मेहनत करता है तो कोई कम मेहनत करता है, और ये बात पूरी तरह से गलत है। आपका ब्रेन जिस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, उस तरह से दुनिया में किसी का भी ब्रेन नहीं करता है। हमारे दिमाग का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ है, और इसी सच्चाई को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि स्कूल में 5th क्लास में 20 बच्चे हैं। अब जैसे कि हर बच्चा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, सब अलग अलग है। और ठीक इसी तरह से हर बच्चे का ब्रेन अलग अलग है। वो सारे बच्चे 9-10 साल के तो हैं, लेकिन उनके ब्रेन डिफरेंट तरीके से डेवलप हुए हैं। किसी का ब्रेन कम डेवलप हुआ है, किसी का ज्यादा हुआ है, किसी का ब्रेन कुछ एरियाज में डेवलप है, किसी का ब्रेन कुछ एरियाज में थोड़ा वीक है, किसी का ब्रेन कुछ एरियाज में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो कुछ एरियाज में थोड़ा वीक है। लेकिन उस बच्चे से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि हम जो बता रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, उसमें उसका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ना तो पास्ट में पॉसिबल था, ना प्रेजेंट में पॉसिबल है, और ना ही फ्यूचर में पॉसिबल होगा। नेक्स्ट रूल कहता है वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स। हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिसके पीछे हमारा इंटरेस्ट है या फिर कोई इमोशन जुड़ा हो। और ये रूल ये भी कहता है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। आप कई बार ऑब्जर्व करोगे कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और अगर उसके पास में फोन है तो उसी टाइम पर पढ़ाई भी करेगा, व्हाट्सअप चेक भी करेगा, इंस्टाग्राम भी चलाएगा, और इसी कारण उसका रिजल्ट भी इफेक्ट होगा। आपको लगता है कि आप एक ही टाइम पर 2 काम कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में हम एक काम को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे काम पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा फोकस शिफ्ट होता है, ना कि हम एक बार में 2 काम करते हैं। और जब फोकस एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होता है, तुम्हारा जो मेन काम होता है वो छूट जाता है, और ऐसे में हम बोरिंग चीज को छोड़ देते हैं और वहां पर फोकस करते हैं जहां पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, इसीलिए पूरी कोशिश करें कि अपने आसपास कोई भी दूसरी चीजें ना रखें। जब कोई एक काम करें तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करें। आप ये ना सोचें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। नहीं, आप कर तो सकते हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो, अदरवाइज दोनों काम आपसे नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल है रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप कोई भी चीज भूल जाते हैं तो ये रूल आपके लिए है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को 30 सेकंड तक याद रख सकता है, और अगर आपको इस 30 सेकंड को बढ़ाना है
तो आपको उस चीज को हर थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट करना होगा, तभी आपका ब्रेन उस चीज को ज्यादा टाइम तक याद रख सकता है। अगर कोई बात हो, कोई घटना हो या फिर कोई पर्सन हो तो उसे तो हम सालों तक याद रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर हो, कोई फॉर्मूला हो या फिर किसी भी टाइप की कोई डेट हो तो उसे हमें याद रखने के लिए बार बार हमें उसे रिपीट करना होगा, क्योंकि अगर हम उसे रिपीट नहीं करेंगे तो 30 सेकंड के बाद ही हमें उसे याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको भी भूलने की आदत है तो आप भी उन चीज़ों को बार बार रिपीट करें ताकि आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म में उन चीज़ों को याद रख पाए। नेक्स्ट रूल कहता है स्लीप वेल थिंक वेल। आपने कई बार ये सुना होगा कि ज्यादा नींद लेना आलस की निशानी है, लेकिन इस बुक में बताया गया है कि अच्छी नींद लेना हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम स्लीप लेने से हमारी अटेंशन कम हो जाती है और हमारी मेमोरी पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक रिसर्च ये बताती है कि नासा के साइंटिस्ट 26 मिनट का एक छोटा सा पावर नैप लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज हुई है। तो अगर आप भी कभी दोपहर में टायर्ड फील करते हैं तो आप भी एक छोटी सी नैप ले लें और आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों ही इससे इंक्रीज होगी। और मजे की बात तो यही कि हफ्ते में करीब 4 से 5 दिन तो मैं भी कभी ना कभी बीच बीच में पावर नैप ले ही लेता हूं, और इससे मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि इससे मेरी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ी है। नेक्स्ट रूल कहता है स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। ज्यादा स्ट्रेस में रहना या फिर हमेशा चिंता करते रहना हमारे ब्रेन को और हमारी लर्निंग एबिलिटी दोनों को डैमेज करता है। हमारा जो ब्रेन है वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बना है, और इसलिए हमारा ब्रेन किसी भी तरह के स्ट्रेस को मैक्सिमम 30 सेकंड तक बिना किसी प्रॉब्लम के फेस कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में लेते हैं, यानी कि 30 सेकंड से ज्यादा का स्ट्रेस हम लेते हैं, तो उससे हमारी लर्निंग एबिलिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ना सिर्फ लर्निंग एबिलिटी बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी स्लीप की क्वालिटी, इवन ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पर इसका असर पड़ता है। स्ट्रेस में हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे माइंड में दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनल, और एड्रेनल से हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और इससे हमें हार्ट अटैक तक आ सकता है। इसलिए स्ट्रेस लो ही मत, या फिर अगर लेना भी है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लो, ज्यादा मत लो, क्योंकि अभी जो आप स्ट्रेस ले रहे हो यही स्ट्रेस आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बनने वाला है। रूल नंबर 8 है सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ भी नया सीखने के लिए आप जितनी ज्यादा अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उस चीज को आप उतनी ही तेजी से उतनी ही अच्छे से सीख पाओगे। जॉन कहते हैं कि कुछ भी सीखने के लिए एक सेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि पढ़ा हुआ आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, तो पढ़ते वक्त अपने आसपास कोई परफ्यूम का यूज करें या फिर किसी पर्टिकुलर फ्लेवर की चॉकलेट खाओ, और जब भी आपको याद करना हो कि आपने क्या पढ़ा था तो दोबारा से उसी परफ्यूम को सूंघो या फिर उसी फ्लेवर की चॉकलेट खाओ, आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल करके देखना और मुझे बताना कि ये काम करता है या फिर नहीं करता है। रूल नंबर 9 है विजन। हमारा ब्रेन पढ़ी हुई या फिर सुनी गई इन्फॉर्मेशन के मुकाबले देखी हुई इन्फॉर्मेशन को जल्दी से याद कर सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर्स में सोचता है ना कि वर्ड्स में। आपको बायोग्राफी पढ़कर शायद ये पता नहीं होगा कि आपने किस पेज पर क्या सिचुएशन पढ़ी थी, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी पर आपने कोई मूवी देखी होगी तो आपको उसके सीन अच्छे से याद होंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस में सोचता है। और इसीलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसे विजुलाइज जरूर करें या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज को आप माइंड में रखें, ताकि वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसे आप लॉन्ग टर्म में याद रख सको। नेक्स्ट रूल आता है जेंडर। ये रूल कहता है कि मेल एंड फीमेल का ब्रेन पूरी तरह से डिफरेंट होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सालों से बात बताते हैं कि मेल और फीमेल दोनों का ब्रेन डिफरेंट तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आदमी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो और ज्यादा स्ट्रेस लेती है। आदमी ड्रग्स और एल्कोहल जैसे एडिक्शन का शिकार होते हैं तो वहीं औरतें अपने वजन बढ़ने के डर से हमेशा परेशान रहती है, और हर दो में से एक औरत आदमी के मुकाबले ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। रूल नंबर 11 है एक्सप्लोरेशन। हम इंसान बाय नेचर अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइंड है, इसलिए अगर हम किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट देते हैं तो उसे वो देखकर, सूंघकर, मुंह में लेकर वो लगभग हर पॉसिबल तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। या फिर जब हम बच्चे थे तो नई नई चीजों को जानने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी, हम हर बात पर क्वेश्चंस करते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज से करीब 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस इसी तरीके से अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करके कंक्लूजन निकालते थे। एक्सप्लोर करने की नेचर की वजह से ही आज हम इंसानों का ब्रेन इतना ग्रो कर पाया है। लास्ट रूल कहता है म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। डॉक्टर जॉन की वाइफ भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी है, और उन जैसी ही काफी म्यूजिशियन को ऑब्जर्व करके और स्टडी करके उन्होंने जाना है कि हमारे म्यूजिक का टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है, और म्यूजिक हमारी स्किल और मेमोरी को शार्प भी बनाता है। तो म्यूजिक को सुनना या कंपोज करना हमारे रीडिंग, मैथ्स और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को भी चेंज कर सकता है। तो ये थे ब्रेन के 12 रूल्स। एक्सरसाइज, सर्वाइवल, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स, रिपीट टू रिमेंबर, स्लीप वेल थिंक वेल, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे, सेंसरी इंटीग्रेशन, विजन, जेंडर, एक्सप्लोरेशन, एंड लास्ट था म्यूजिक कैन मेक अवर ब्रेन स्मार्टर। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।